बलोर नदी के आगोश में दर्जनों गांव। न्यूज 9 टाइम्स से अमित कुमार वर्मा की ब्यूरो रिपोर्ट। नरकटियागंज प्रखंड क्षेत्र की धूमनगर पंचायत की नदियाईनी गांव के समीप बलोर नदी के कटाव से सड़क और गांव नदी में विलीन होते जा रहे हैं। नदी का करीब सैकड़ों गांव है। प्रत्येक साल बाढ़ के दौरान नदी गाँव के कुछ भागों को अपने आगोश में नदी ले सकती है। इस नदी के किनारे करीब आधा दर्जन गाँव है। नदी के कटाव से खेतिहर जमीन भी नदी के आगोश में ले लेती है। हजारों ग्रामीण का आसियाना नदी के किनारे है। जो अभी घर नदी के किनारे है वह कभी नदी के आगोश में भी आ सकता है। कई बार जनप्रतिनिधियों से लेकर बड़े अधिकारी आए लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। आज भी आधा गांव अपनी बदहाली पर रो रहा है। वही मुखिया प्रवासी समेत समाज सेवी कादिर मियां ने कहा कि शिकायतें तो कई बार आई है लेकिन केवल धोखा मिला है। आगामी चुनाव में जनता जन प्रतिनिधियों को जब वोट मांगने आएंगे तो वोटर अपना वोट वसूल करेगी और 5 साल का हिसाब मांगेगी। मौके पर दर्जनों गांव वाले उपस्थित रहे। चपेट में अपने ले लिया है। ये 2017 में जो विनाशकारी बाढ़ आया था उसमें जो है नदी बहुत विकराल रूप ले चुकी थी। उसमें आपको धूमनगर, नुनिवा, गदियानी, उसके बाद सिरवा है, पिपरा है और बहुत सारा कृषि के लिए उपयुक्त जो जमीन है उसका कटाव जो है बहुत ज़्यादा कर चुकी है। और इस बार भी लोगों के कलेजे पर हाथ है कि क्या पता इस बार नदी कौन सी रूप धारण करने वाली है। लोग घबराए हुए हैं और जल स्तर जो है काफ़ी बढ़ रहा है, तो लोगों में दहशत जो है व्याप्त है। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलाम कादिर है। मैं स्थानीय जो है स्थानीय हूँ और यहाँ मुखिया का मैं प्रतिनिधि भी हूँ, उम्मीदवार भी हूँ और इसीलिए जो है मैं आगे जिला पदाधिकारी को भी पत्र लिखा था और इससे बाबत मैं बराबर आवाज़ उठाता रहा हूँ और प्रतिनिधियों के द्वारा आगे भी कई बार जो है इसका सर्वे किया गया है। माननीय जिला पदाधिकारी थे जो निवर्तमान है अभी, वो पहले थे, उनके द्वारा जांच भी किया गया लेकिन सर्वे में बताया गया कि यहाँ पर ठोकर बनेगा लेकिन ठोकर का निर्माण अभी तक नहीं कराया गया है। और कई बार स्थानीय सांसद महोदय, विधायक महोदय या अनगिनत प्रतिनिधियों के द्वारा लोगों में जो है झूठा आश्वासन फैलाया गया कि इसका निर्माण कराया जाएगा लेकिन आज तक किसी भी तरह का कोई कार्य यहाँ पर नहीं हुआ। और बाढ़ का जो है हमेशा जो है हर साल टांडव होता है और लोग इसका खामियाजा भुगतते हैं। अभी जा करके देखिए वहाँ बहुत सारे लोग डूबने के कगार पर हैं। घर का जो है ये कटाव कर रहा है, घर एकदम नदी के बैंक पर है। ठीक है सर। पिछले कई दिनों से हो रहा है, अभी यहाँ आप लोग के यहाँ क्या स्थिति है? बहुत खराब स्थिति है। क्या किस तरह का है? आपका मकान कहाँ है? नहीं है, देख रहे हैं आप, बताइए। आप बोलिए ना। नदी का कटाव यहाँ बहुत अधिक बढ़ रहा है, कोई घर कट गई है। ऐसा पहले बार हुआ है कि पिछले साल भी बाढ़ में हुआ था? पिछले साल भी हुआ, अभी भी हुआ है। आप लोग मतलब कि केवल क्या नाम है, निधि प्रतिनिधि जो भी आते हैं केवल चुनाव में ही आते हैं? चुनाव में आते हैं, ऐसे आते हैं, लिख पढ़ कर जाते हैं, बस कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अभी स्थिति क्या है यहाँ का, मतलब कि नदी का जल स्तर क्या है यहाँ का? आप लोग का, आप जो यहाँ पे आप लोग बसिंदा है, पर प्राइम ने यहाँ कॉल करते किए ना, कितने घर कट रहा है, मैंने स्थिति अभी खराब है। रात बिरात कभी भी कभी भी कटाव गांव में घुस सकता है। घुस गया है कि घुस सकता है? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम लालमोराम। कौन सा गाँव में घर है? धूम नगर गदियानी टोला।